दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल का आया तूफान। इतनी ताबड़तोड़ घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, तो बुमराह, जडेजा, सिराज ने भी नहीं छोड़ी बल्लेबाजों को धोने में कोई कसर। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट मुकाबला आप लोगों को दिखाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जो बल्लेबाज पहले टेस्ट मुकाबले में 22 और 24 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गया, उस बल्लेबाज ने इस बार इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली जब अपना सारा काम निपटा करके बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर पड़े, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा तूफान ला दिया जिसको देखकर आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने 270 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने खड़े होकर के रोहित शर्मा को सलाम ठोका। पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में इतनी घातक विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक आप लोगों को मुकाबला दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को काफी करारी हार मिली, जहां पर 28 रनों से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के घातक विस्फोटक कप्तान ने प्लेइंग 11 में भी काफी बड़े बदलाव कर लिए थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। श्रेयस अय्यर की जगह विराट कोहली की वापसी की थी। अब यहां पर भारतीय वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि हर एक गेंदबाज के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने रोते बिलखते और पानी भरते हुए नजर आए। भारतीय वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया दूसरे टेस्ट मुकाबले का, तो टॉस की बाजी कप्तान रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और गेंदबाजी का मौका यहां पर इंग्लैंड के टीम को दिया, जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा और यहां पर यशस्वी जायसवाल सबसे पहले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े, जहां पर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 35 रन ठोक डाले। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, ऐसा लग रहा था कि तूफान आ गया हो। रोहित शर्मा काफी घातक विस्फोटक तरीके से खेल रहे थे, लेकिन आपको बता दूं कि रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में भी खेलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा को पहले टेस्ट की हार का बदला लेना था और यहां पर जो इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड ने तो सिर्फ भारतीय टीम को सिर्फ 28 रनों से हराया था, लेकिन जब आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिरकार भारतीय टीम ने इंग्लैंड को कितने ज्यादा रनों से हरा दिया। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से कहर तो बरसाया था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर में लगातार 3 चौके और 2 छक्के जड़ दिए, जहां पर रोहित शर्मा के बाद यशस्वी जायसवाल की तूफानी भरी बल्लेबाजी ने मैदान पर खूब कहर बरसाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल के आगे पानी भरते हुए नजर आए। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कैसे कर रहे हैं। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बसा दिया। 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने 6 गेंदों पर लगातार गगन चुंबती 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पर यशस्वी जायसवाल ने 13वें ओवर में 4 छक्के 2 चौके लगातार जड़े। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ऐसा लग रहा था कि आपस में कंपटीशन कर रहे हो। इनकी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बसा रखा था, लेकिन भारतीय टीम को एक काफी बड़ा झटका लग गया 14वें ओवर की 4थी बॉल पर, जब यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे। आप सभी को बता दें कि घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आउट हुए, तो शुभमन गिल आए यहां पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। शुभमन गिल काफी घातक विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते थे, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप के बाद से वो कोई भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहे, किसी भी मैच में बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पा रहे और निराशा ही जनक हमेशा बता रहे हैं। आप सभी को बता दें कि यहां पर शुभमन गिल ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी पहले टेस्ट मुकाबले में करने के लिए आए थे, लेकिन महज 22 और 0 पर आउट हो गए। जहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल ने खाता तो खोला, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, ना ही उतनी घातक बल्लेबाजी कर पाई और 31 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए। इतना घातक विस्फोटक बल्लेबाज कम से कम अर्धशतक तो बनाना ही चाहिए, लेकिन शुभमन गिल 31 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए, जहां पर शुभमन गिल रन आउट हो गए। रोहित शर्मा का साथ ना दे पाए, लेकिन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की जगह पर यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज, जी हां, बात करने वाले हैं विराट कोहली की। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पहले टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली नहीं थे, उसकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ गया।
गया था, लेकिन विराट कोहली ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में आते ही मैदान पर तूफानी भरी बल्लेबाजी करनी शुरू की और यहां पर हर एक गेंदबाज के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक भरी बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई चौंक गया, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा काफी घातक विस्फोटक मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। कोच राहुल द्रविड़, रविंद्र जडेजा, बुमराह, मोहम्मद सिराज देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आखिरकार हो क्या रहा है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बार बार वो अपनी पैंट से गेंद को रगड़ रहे थे क्योंकि बॉल साफ चले, लेकिन जितना वो रगड़ रहे थे बॉल को उतनी अच्छी मैदान पर उठ रही थी और रोहित शर्मा उतना ही बढ़िया शॉट खेल रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही 6 गेंदों पर 2 छक्के 2 चौके जड़ दिए, जहां पर उन्होंने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की। विराट कोहली की बुखार विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया और विराट कोहली काफी ज्यादा गुस्से में भी थे, क्योंकि विराट कोहली अगर पहले टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल लेते, लेकिन भारतीय टीम को हार का तो सामना करना ही पड़ा था, तो विराट कोहली को इस टेस्ट मुकाबले में दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत 100% चाहिए थी। विराट कोहली की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी, लेकिन भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब 41वें ओवर की 4th बॉल पर हिटमैन रोहित शर्मा 312 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देखे, जहां पर विकेटकीपर केएल राहुल विराट कोहली का साथ देने के लिए आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू की। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं, यहां पर विकेटकीपर केएल राहुल और घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। विकेटकीपर केएल राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आप सभी को बता दें कि 86 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जहां पर विकेटकीपर केएल राहुल काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज है और काफी गहराईता से वो डटकर बल्लेबाजी करते। और दूसरे टेस्ट के मुकाबले में पहले दिन विकेटकीपर केएल राहुल ने काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की और हर एक गेंदबाज को यहां पर धुल के रख दिया। आप सभी को बता दें कि विकेटकीपर केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर यहां पर विकेटकीपर केएल राहुल के ससुर आनी की सुनील शेट्टी काफी ज्यादा खुश थे और वो खड़े होकर के मैदान पर तालियां बजा रहे थे। यहां पर विकेटकीपर केएल राहुल और विराट कोहली की जोड़ी ने काफी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की और इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से एक इतिहास रच दिया। लेकिन रोहित शर्मा काफी खुकार विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करके गए थे और 13 शतक जड़ के गए थे। वहीं 21 साल का होनहार यशस्वी जायसवाल जैसा खुकार विस्फोटक बल्लेबाज भी काफी ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेलकर गया था। अब राहुल और विराट की जोड़ी ने मैदान पर कहर बरसा दिया, लेकिन भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया जब घातक विस्फोटक बल्लेबाज इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली जैसे ही कैच आउट हुए, आप सभी को बता दें कि मैदान पर सनसनी सी मच गई, लेकिन विराट कोहली ने 114 रनों की नाबाद पारी खेल डाली थी। जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल भी आउट हुए, तो यहां पर विकेटकीपर केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें कि कोई और नहीं बल्कि रविंद्र जडेजा आ गया। रविंद्र जडेजा ने अपने हाथ खोल दिए पखनों की तरह और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगा। रविंद्र जडेजा ने पहले टेस्ट के मुकाबले में काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की थी और दूसरे भी टेस्ट मुकाबले में कोई कसर नहीं छोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। रविंद्र जडेजा और विकेटकीपर केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था, लेकिन यहां पर 82 ओवर के 4th बॉल पर विकेटकीपर केएल राहुल भी रन आउट हो गए, जहां पर रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल आ गए। अक्षर पटेल और विकेटकीपर जो है जब आउट हुए, तो यहां पर विकेटकीपर की जगह अक्षर पटेल और यहां पर रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की, जहां पर बुमराह, मोहम्मद सिराज भी 41 और 42 रन बनाकर के बल्लेबाज आउट हुए, जहां अपने अर्धशतक के करीब थे। फिलहाल भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम कर लिया है, लेकिन इनके बीच वार्म अप मैच खेला गया। अब रियल मुकाबला है वो 2 हो सकता है कि तारीख को खेला जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।